नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत स्पष्ट है। एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस, जिसने 68 सीटें 2018 विधानसभा चुनाव में जीती थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वह संभवतः इस बार 40 से 42 सीटों तक सीमित रह जाएगी। यह एक बड़ी गिरावट है। यह बहुत स्पष्ट है कि भाजपा स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। वोटों की गिनती पर बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और घबराई हुई है। जब भी कांग्रेस हारने या हारने वाली बात होती है तो वह ईवीएम को लेकर दोष देती है और कभी कभी संविधान को दोष देती है। कांग्रेस पार्टी जा रही है चुनाव हारने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतों की गिनती होगी और बता दें कि प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। राज्य में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। पार्टी को विश्वास है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी ने किसान, आदिवासी और गरीबों के लिए काम किया है, जिसके दम पर एक बार फिर से यहां सरकार बनाएगी। वहीं 2003 से 2018 तक लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहे भाजपा को उम्मीद है कि राज्य की जनता एक बार फिर से उन्हें मौका देगी। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भरोसा जताया है तथा चुनाव प्रचार के दौरान बघेल सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। राज्य में चुनाव और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने बताया, राज्य के सभी 33 जिलों खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा के 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें राज्य के 76.31% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया था। यह 2018 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 76.88% मतदान से कम है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सभी 90 सीटों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। रमन सिंह के इस दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।